आज जो टॉपिक हमारा डीबीएमएस में कीज, तो आज अपन देखेंगे डीबीएमएस में कितने टाइप की कीज होती हैं और उन कीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो डीबीएमएस में अगर हम बात करें कीज की, कीज हमारे पास क्या, कीज डेटा डेटा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है, ठीक है। और रिकॉर्ड्स को हमने बताया यूनिकली पहचानने के लिए, यूनिक डेटा को पहचानने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, की का। दो टेबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करवाना तो उसके लिए भी अपन किसका यूज़ करते हैं, की का यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अपन एक समझते हैं, जैसे अपने पास यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल है, आईडी का उपयोग हम की के रूप में करते हैं, क्योंकि प्रत्येक छात्र के लिए आईडी कैसी होगी, यूनिक होगी। पर्सनल टेबल की अगर बात करें तो पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, कीज, तो प्रत्येक व्यक्ति की क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो अगर हम बात करें कीज की, टाइप्स ऑफ की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे की है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की और फॉरेन की। कौन कौन सी कीज अगर डीबीएमएस में बात करें, कौन कौन सी कीज हमारे पास अवेलेबल है, तो प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की और फॉरेन की। ये चार टाइप की कीज आपको अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, डेटा को यूनिक करते हैं, तो इनके लिए हम इन कीज़ का यूज़ करते हैं। अब देखिए, हम पहली बात करते हैं कि सबसे पहली जो कीज़ हमारे पास है वो है प्राइमरी की। क्या है प्राइमरी की, देखिए ये पहली की है। ये कैसी की है, पहली की है जो कि एंटिटी में केवल एक इंस्टेंस को पहचानने के लिए उपयोगी है। यानी जो हमारे पास टेबल है, और टेबल क्या है, एक एंटिटी है। जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएस नंबर। तो अगर हम इसमें तो केवल जो रिकॉर्ड्स को पहचानने के लिए, इंस्टेंस को पहचानने के लिए, केवल एक इंस्टेंस को पहचानने के लिए हम किसकी का यूज़ करते हैं, प्राइवेट। एक यूनिट में कई कीज हो सकती हैं, यानी एक जिसमें पर्सनल टेबल में देखा, उन लिस्ट में से सबसे उपयुक्त वह प्राइमरी की बना सकते हैं। जो प्राइमरी, जैसे हमने बात की एम्प्लॉय टेबल, तो आईडी प्राइमरी की हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक एम्प्लॉय की जो यूनिक आईडी होती है वो कैसी होती है, यूनिक होती है। एम्प्लॉय के में अगर हम प्राइमरी की बनाएं तो लाइसेंस को, लाइसेंस नंबर को भी बना सकते हैं, पासपोर्ट नंबर को भी बना सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके कैसे होते हैं, यूनिक के होते हैं। तो ऐसा डेटा जिस जो फील्ड्स आपका यूनिक इंफॉर्मेशन रखता हो, ऐसे फील्ड्स को हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी जैसे हमने एम्प्लॉय आईडी, एमपी नेम, एम्प्लॉय पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, तो इसमें हम इनको भी बना सकते हैं, पर हमने यहाँ पे किसको लिया, एम्प्लॉय आईडी। तो ऐसे फील्ड्स को जो यूनिक इन्फॉर्मेशन रखता है, वो हम उस फील्ड को कैसा बना सकते हैं, प्राइमरी की। हमने आपको पर्टिकुलर करके भी बताया, तो ये हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी की। यानी ऐसे फील्ड्स जो फील्ड्स यूनिक इन्फॉर्मेशन को रखते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी की फील्ड्स बना सकते हैं, प्राइमरी। नेक्स्ट हमारे पास कैंडिडेट, कैंडिडेट की, कैंडिडेट एक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स का सेट होता है। कैंडिडेट जो की हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स हो सकता है, या एट्रीब्यूट्स का क्या हो सकता है, सेट हो सकता है, जो यूनिक एक टपल्स की पहचान करता है। जो कैसे, एक यूनिकली टपल्स, टपल्स मतलब रिकॉर्ड्स की जो पहचान करता है। देख, प्राइमरी की हम सिंगल एक एट्रीब्यूट्स पे लगाते हैं, एक फील्ड्स पे लगाते हैं, पर कैंडिडेट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट्स का सेट जो यूनिकली टपल्स को पहचान कर सकती है, जो टपल्स की पहचान कर सकती है। प्राइमरी की को छोड़कर शेष एट्रीब्यूट्स को हम कैंडिडेट के रूप में माना जाता है। जो प्राइमरी की जिस फील्ड्स को हम बना सकते हैं, सेट्स जितने भी फील्ड्स होते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कैंडिडेट की के रूप में माना जाता है। कैंडिडेट की प्राइमरी की के समान स्ट्रांग होती है। कैंडिडेट जो की है हमारे पास, वो प्राइमरी की के समान, जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय टेबल देखा, तो आईडी को हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की, क्योंकि सबसे उपयुक्त है। बाकी जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, जैसे एसएन नंबर, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, ये भी आपके, इनको भी अपन कैंडिडेट की मान सकते हैं, यानी इनको अल्टरनेट, यानी इनको भी हम बना सकते हैं, ये भी यूनिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो ये आपका कौन सी होगी, प्राइमरी की। बाकी ये जो बची हुई तीन कीज हैं, जो यूनिक इन्फॉर्मेशन रखती हैं, यूनिकली टपल्स की इन्फॉर्मेशन रखती हैं, तो ये कीज हमारी क्या कहलाती हैं, कैंडिडेट की कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया, जैसे एम्प्लॉय आईडी आपकी क्या होगी, प्राइमरी की, पर पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, इनको भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं, पर ये भी यूनिक। तो हमने एक टेबल में एक ही बनाते हैं प्राइमरी की, बाकी जो भी कीज बच गई, ये हमारी कौन सी कहलाएंगी, कैंडिडेट की कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे, आपकी कैंडिडेट की कहलाएंगी। क्लियर, समझ गए ना। यानी कि जो टपल्स, यानी प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट्स पे लगाते हैं, एक इंस्टेंस पे लगाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला इंस्टेंस, देखिए लिखा ना साफ साफ, प्राइमरी की एक एंटिटी सेट में एक इंस्टेंस की पहचान करने के लिए अपन किसका लगाते हैं, प्राइमरी की का यूज करते हैं। पर अपन क्या करते हैं, जब हम एट्रीब्यूट्स
या एट्रीब्यूट्स का जो सेट होता है यूनिकली टपल को पहचान करता है वो हमारी कौन सी की कहलाती है, टप कैंडिडेट की कहलाती है। एम्प्लॉय टेबल प्राइमरी की हमने बना दिया उसको आईडी को, बाकी जो हमारे पास ये इनको हमने नहीं काउंट किया कि नेम डुप्लीकेट डुप्लीकेसी हो सकती है, एड्रेस भी डुप्लीकेट, पर हमारे पास पासपोर्ट नंबर लाइसेंस नंबर एसएन नंबर ये सबके कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। तो बाकी जो हमारे पास ये फील्ड्स बचे ही हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइमरी की कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राइमरी की फील्ड कहलाते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं सुपर की एट्रीब्यूट्स। तो सुपर की एट्रीब्यूट्स का एक सेट है। सुपर की क्या है, हमारे पास दो की, तीसरी की हमारे पास क्या, सुपर की। तो सुपर की एक एट्रीब्यूट्स का क्या सेट है जो विशिष्ट रूप से एक टपल की पहचान करता है, विशिष्ट रूप स्पेशल पर्पज से जब आप किसी की वो पहचान करता है तो सुपर की कैंडिडेट की का सुपर सेट है। सुपर की किसका, कैंडिडेट की का एक सुपर सेट है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं, जैसे अपन ने एक टेबल ली एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम के लिए तो कर्मचारी का नाम समान हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय नेम के लिए, तो इसमें हमारे पास क्या दो लोगों के नाम सेम हो सकते हैं। जैसे हम अगर आप बात करें रोल नंबर आपके, तो रोल नंबर आपके कैसे हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम दो कर्मचारियों के समान हो सकते हैं, पर आईडी समान नहीं हो सकती। आईडी क्या यूनिक है, तो आईडी आपकी क्या हो सकती, समान नहीं हो सकती। इसलिए जो कॉम्बिनेशन भी की हो सकता है, की का क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे हमने देखिए सुपर की आपका एमपी आईडी हो गया, एमपी आईडी एम्प्लॉय मिनिमम आदि, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बना, ये हमारा सुपर की का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। दो हमने बना दिए, जब दो की का कॉम्बिनेशन बना देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन, वो हमारा क्या कहलाता है, सुपर की कहलाता है। क्या कहलाता है, सुपर की कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास फॉरेन की, फॉरेन की हमारे पास फॉरेन की उस टेबल या कॉलम में होती है जिसका उपयोग किसी किसी अन टेबल में प्राइमरी की के पॉइंट रूप में किया जाता है। जैसे हमने कल आपको रिलेशनशिप बताया था, प्रैक्टिकल करके बताया, जब वही फील्ड दूसरी टेबल में जाता है तो पहली टेबल में कैसा होता है, प्राइमरी की होता है। जब दूसरी टेबल में उसी फील्ड्स को सेम डेटा टाइप्स के साथ डिफाइन करते हैं और आपस में लिंकिंग कराते हैं तो वो जो फील्ड्स बनता है वो हमारा कौन सा फील्ड बन जाता है, फॉरन की बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी के एक विशिष्ट विभाग में काम करता है, किसमें काम करता है, एक स्पेशल विभाग में काम करता है, और एम्प्लॉय दो अलग अलग एंटिटीज हैं। एम्प्लॉय के क्या, दो अलग अलग एंटिटीज हैं, इसलिए हम एम्प्लॉय टेबल में विभाग की जानकारी को स्टोर नहीं कर सकते। विभाग की जो टेबल इंफॉर्मेशन है उसमें हम विभाग की इंफॉर्मेशन, इसलिए हम दो अलग अलग टेबल्स बनाएंगे। तो एक टेबल हमारी क्या प्राइमरी की के माध्यम से हम उनमें क्या कराएं, लिंक। तो जब प्राइमरी टेबल एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी होगी वो कैसी होगी, हमारी फॉरेन की, दोनों को हम रिप्रेजेंट अलग अलग। जैसे हमने फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉय आईडी नेम पासपोर्ट साइज एसेट और डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आईडी हमने बनाया और ये हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी कैसे बना दिया, फॉर प्राइमरी की बना दी। जब इस प्राइमरी की को इस डिपार्टमेंट आईडी से हमने लिंक करा दिया तो ये हमारी कहलाती है क्या, रिलेशनशिप। क्या करें, तो वही सेम टेबल, ये जब सेम फील्ड दूसरी टेबल में जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, फॉरेन की बन जाता है। क्या बन जाता है, फॉरेन की बन जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास ये इतने टाइप्स की कीज अवेलेबल है डीबीएमएस में। अब हम बात करते हैं रिलेशनल एल्जेब्रा, किसकी बात करते हैं, रिलेशनल एल्जेब्रा। तो रिलेशनल एल्जेब्रा ऑपरेशंस का एक समूह होता है। क्या होता है, रिलेशनल एल्जेब्रा ऑपरेशंस का एक समूह होता है जिसका प्रयोग रिलेशन, रिलेशन यहाँ जो डिनोट कर रहा है, रिलेशन जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, रिलेशन मतलब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम टेबल, रिलेशन मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, टेबल की बात कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, टेबल्स की बात कर रहे हैं। तो क्या बोल, रिलेशन एलजेब्रा क्या एक ऑपरेशंस का एक समूह है जिसका उपयोग किसमें, टेबल्स के डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। किसको मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है, टेबल के डेटा को हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और रिलेशनल एलजेब्रा प्रोसीजरल लैंग्वेज है। रिलेशनल एलजेब्रा कैसी लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जिसमें ऑपरेशंस का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, क्वेरी को परफॉर्म कराने के लिए किया जाता है। आपको याद हो हमने आपको क्वेरी का लगाना बताया, जैसे हमें वो रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सिटी क्या हो, चित्रकूट, हमने आपको बताया क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम और यहाँ पे दे देंगे सिटी इक्वल टू, अपन इस टाइप से इसको यूज करते थे।
आपको बताया था ना मैंने, तो रिलेशनल अलजेब्रा के क्वेरीज को परफॉर्म कराने के किसका यूज करते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा का यूज करते हैं। क्लियर, रिलेशनल अलजेब्रा। तो रिलेशनल अलजेब्रा में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, प्रोडक्शन यूज हो सकता है, कार्डिशियन प्रोडक्शन, इंटरसेक्शन यूज हो सकता है, और आपका रीनेम यूज हो सकता है। तो अब हम इनका और ज्वाइन ऑपरेशंस, ये सारे जो ऑपरेशंस आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, रिलेशनल एल्जेब्रा के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम रिलेशंस एल्जेब्रा की बात करें, जैसे हमने, तो यहाँ पे हमारे पास यूनियन यूज होता है, यूनियन। तो यूनियन मतलब क्या होता है कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, आर एक टेबल है, पी यूनियन क्यू, पी क्यू यूनियन क्यू। तो अगर हम इसकी बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करते हैं, तो रिलेशन एल्जेब्रा क्या करता है, जैसे हमारे पास पी और क्यू दो इनपुट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बात करें, तो पी क्यू हमारे पास कितने इनपुट हैं, दो इनपुट है हमारे पास, और इन दो इनपुट्स में से अगर हम रिकॉर्ड्स निकालें, तो देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया एक आर है हमारे पास और एक हमारे पास एस है, और हमने यहाँ पे कर दिया आर यूनियन एस। तो देखिए यूनियन क्या करता है, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स देता है, क्या देता है, सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास देता है। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो मैथमेटिक्स में आपने ऑपरेशंस पढ़े होंगे, क्लियर। तो इन मैथ इन ऑपरेशंस के माध्यम से आपको मालूम क्या, अभी हम आपको एक तो कल बताते हैं, जैसे हमने वाले फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझाते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे एक सेट लिया ए, और इसमें हमने जैसे एलिमेंट पास किए 1, 2, 5, एक सेट हमने लिया यहाँ पे सेट 1, 4 और 6। तो अगर हमने यहाँ पे किया ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि इसमें से जो समुच्चय दोनों में है, दोनों में है, यानी एक यहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी है, तो इसको सिर्फ हम इसमें एक बार लिखेंगे, बाकी बचे हुए सारे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अपने पास क्या है, 2 है, क्या है फिर 4 है, फिर हमारे पास क्या है 5 है, और फिर हमारे पास क्या है 6 है। तो ये देखिए हो गया। तो यार यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों रिलेशंस में मौजूद होते हैं उनको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, बाकी सबको लिखते हैं। तो हमारे पास देखिए रिलेशन है क्या, एक आर है जिसमें ए एक बार है, बी है, सी ए है, बी है, डी है, ई है, और ए है, सी है, डी है, और ये। तो यहाँ पे देखिए हमने ए को कितनी बार लिखा, एक बार, बी हमारा, बी को हमने एक बार, ठीक, सी हमारे पास इसमें नहीं, पास सी इसमें, तो सी को एक बार, डी इसमें है, डी इसमें है, तो डी को कितनी बार, एक बार, एफ इसमें है पर इसमें हमारे पास ई है, तो पहले हमने किसको लिखा, ई को, और फिर एफ को, फिर देखिए हमारे पास बचा हुआ ई। तो जो रिकॉर्ड हमारे पास एक बार आ रहे हैं तो उनको अपन ने कितनी बार लिखा है, एक बार, और रिपीटेशन वाले को हमने बार बार अलग कर दिया, क्लियर। इसी तरह हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन मतलब होता है, तो डिफरेंशिएशन मतलब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन अपन समझते हैं, जैसे अपन ने लगा दिया अपने पास दो हैं, एक हमारे पास जैसे एक ए है, ठीक है, उनके बीच में जैसे हमारे पास हमने दे दिया यहाँ पे जैसे दे दिया 0, 1, 2, 4 और 5, ये हमारे पास एलिमेंट है, और यहीं पे एलिमेंट हमने पी के लिख दिए, कौन से 3, 3, 7 और 9, ये एलिमेंट। अगर हमने यहाँ पे किया ए माइनस बी, अगर आप लोग मैथमेटिक्स हैं तो समझ लेंगे, तो अगर आप देखिए 0 और 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 ले लिया आपने, क्या ले लिया, 0, उसके बाद पहले देख काट लीजिए, 1 से 1 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक, और बचा आपके पास क्या, 4, 9, और आपके पास क्या बचा, उसके बाद आपके पास बचा क्या, 0, 2
और आपके पास 4 और 5। तो वैसे अगर हमने किया आर माइनस एस, आर माइनस एस देखिए हमारे पास ए से ए कट गया, ठीक है। उसके आपके पास क्या बच गया, सी बच गया। क्या बच गया आपके पास, सी इसमें है पर इसमें नहीं है। बी से बी है आपका, तो बी ले लिया आपने। फिर आप देखिए इधर एफ है, इधर भी आपके पास एफ नहीं, एफ इसका ले लो। ई इधर है तो ई इसका, इधर ई लिया। तो आपका ये क्या कहलाता है, आर माइनस बी। यानी आपका क्या है, वह रिलेशन जो फर्स्ट में स्थित होंगे और सेकंड में ना हो उनको हमें लेना होता है। यानी फर्स्ट में है पर सेकंड में ना हो। तो देखिए बी है आपका इसमें पर इसमें बी नहीं, डी इसमें इसमें नहीं। अब आप देखिए एस माइनस आर, अपन क्या एस माइनस, तो देखिए सी इसमें है पर इसमें नहीं पर हम इसमें लेंगे, डी ई इसमें है इसमें नहीं है तो हम डी को भी ले लेंगे। तो आपको इस टाइप यानी रिलेशन टू में ना हो इसी प्रकार हम यहाँ से, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। उसके बाद इसको अपन बोलते हैं सिग्मा। ये हमारा जो यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ होता है, समुच्चय के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, समुच्चय सॉरी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब होता है कि अगर हमें कई रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करवाना, जैसे हम एसक्यूएल जब क्वेरी लिखते हैं तो हम रिकॉर्ड के सिलेक्शन के लिए किसका यूज़ करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। पर अगर हम रिलेशनल अलजेब्रा हम लिखेंगे तो अगर रिकॉर्ड को सिलेक्ट कराना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। किसका, सिग्मा के यूज़ करेंगे। रिकॉर्ड को सिलेक्ट कराने के लिए किसका यूज़ करेंगे, सिग्मा का यूज़ करेंगे। क्लियर, जैसे हमने दे दिया सिग्मा और टेबल का नाम, तो हमें उस टेबल से सारे रिकॉर्ड। तो सिग्मा द्वारा हम क्या करते हैं, ऑपरेटर यूज टू सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। किसको, कंडीशन को स्पेसिफाई करने। यह एक कैसा ऑपरेशन है, यूनरी ऑपरेशन है। सिग्मा आपका कैसा ऑपरेशन है, यूनरी ऑपरेशन है। अभी इनका सबका आगे यूज आ गया तो बताऊंगा मैं आपको, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हम यू रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। यह भी आपका कैसा ऑपरेशन है, यूनियर ऑपरेशन। इस एट्रीब्यूट्स का यूज हम उप समुच्चय को सिलेक्ट करने के लिए, उप समुच्चय को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हम वहां पे किसका यूज करते हैं, पाई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पाई ऑपरेशंस का। सिलेक्शंस के लिए यूनिटी ऑपरेशन, पर जब हम उसके अंदर कोई चीज सिलेक्शन करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, पाई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। इसी तरह हमारे पास जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाई सिंबल्स, जैसे हमने कर दिया आर पी कॉमा क्यू। तो आर कॉमा पी, एक हमारे पास आर टेबल है और एक हमारे पास कौन सा टेबल है। अब इनको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इतने बार हमारे पास आके आ गया। तो जैसे हमारे पास, तो ये हमारा इंटरसेक्शन, आपको मालूम इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या होता है, कॉमन टपल्स को लेता है। किसको लेता है, कॉमन टपल्स को लेता है। जैसे हमारे पास आर इंटरसेक्शन क्यू, तो एंड देन देखिए ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है लिख दिया, डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी, यहाँ पे लिख दिया, कॉमन टपल्स को लेता है। वो काम कौन करता है, हमारा इंटरसेक्शन हमारे पास काम करता है। रीनेम के लिए जो हम यूज करते हैं वो रियो ऑप्शंस करते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं काहे के लिए, इस ऑपरेटर का यूज रिलेशंस को दोबारा नाम देने के लिए किया जाता है। कैसे, दोबारा नाम, अगर कोई एक बार नाम चेंज कर चुके हैं तो उनको नाम को हमें दोबारा अगर देना है तो उसके लिए अपन किस ऑपरेशन का यूज करते हैं, रहो ऑपरेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इस ऑपरेशन का अपन यहाँ से यूज करते हैं, क्लियर। अब हमारे पास आते हैं यहाँ पे, तो ये रिलेशनल अलजेब्रा में ऑपरेशंस यूज होते हैं। अभी हम इनका प्रैक्टिकल करके बताएंगे, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंशिएशन, और ये आपके यहाँ पे यूज होते हैं, क्लियर। उसके बाद हमारे पास देखिए ज्वाइनिंग ऑपरेशंस हैं। कौन कौन से ज्वाइनिंग होते हैं, नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, फिर नेचुरल ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। तो अगर अब हम बात करते हैं ज्वाइन ऑपरेशंस के लिए, हम इस सिंबल्स का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, तो ज्वाइन ऑपरेशंस क्या करता है, जो रिलेटिव टपल्स है, रिलेटेड टपल्स उन आपस में जोड़ता है, कई टेबल्स को आपस में जोड़ने का काम जो हमारे पास करता है वो ज्वाइन ऑपरेशंस करता है। तो ज्वाइन हमारा, जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक टेबल बनाई एम्प्लॉई, जिसमें दो फील्ड्स हमारे पास है, ईएमपी कोड, ईएमपी नेम, रिकॉर्ड्स हमारे पास पड़े हुए। दूसरी टेबल हमारे पास सैलरी, उसमें भी हमारे पास रिकॉर्ड्स पड़े। अगर इन दोनों में हमने ज्वाइन ऑपरेशंस किया, ऑपरेशंस एम्प्लॉई और यहाँ पे दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिया सैलरी, तो देखिए दोनों टेबल्स को जो रिकॉर्ड्स कॉमन होंगे,
जैसे फर्स्ट यहाँ पे भी है, फर्स्ट यहाँ पे भी है, थर्ड यहाँ पे भी है, थर्ड या सेकंड यहाँ। तो देखिए पूरे रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले करके दे देगा। रिकॉर्ड्स दो टेबल्स को अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास ये ज्वाइन ऑपरेशंस यूज होता है। अब हम ज्वाइन ऑपरेशंस में पहला ज्वाइन हमारे पास है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन का काम क्या करता है हमारे पास, देखिए ये सिंबल्स आ गया हमारे पास, कौन सा सिंबल, पाई सिंबल। पाई सिंबल हमने क्या बताया, सबसेट ऑफ रिलेशनशिप। देखिए पाई हमने ऊपर आपको बताया था ना, पाई यूज होता है, पाई का यूज होता है एट्रीब्यूट्स के सबसेट, उप समुच्चय को अगर सिलेक्शन करना है तो किसका यूज करते हैं अपन, पाई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जिसे लगाया है यहाँ पे क्या, नेचुरल ज्वाइन आर एक टेबल है, एक एस सभी कॉम्बिनेशन के टपल्स का सेट है, सभी कॉम्बिनेशन का क्या सेट, जो उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स के नेम के समान होगा जो, और इससे डिनोट कैसे किया जाएगा, इससे जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल और एक सैलरी, जैसे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल्स में आउटपुट अगर हमारे पास आया, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया ईएमपी नेम कॉमा सैलरी, ईएमपी नेम कॉमा सैलरी, और यहाँ पे हमने इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन लगा दिया। यानी इन हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए और क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, पर कौन सी टेबल से, इन दोनों टेबल्स। तो यहाँ पे देखिए इस टेबल से ये क्या निकालेगा, नेम निकालेगा, और इस टेबल से ये सैलरी निकालेगा। तो देखिए इन दोनों नेम कौन कौन से हमारे पास आएंगे, तो नेम हमारे पास आएंगे स्टीफन जैक हैरी। तो हमारे पास देखिए जब इसको ज्वाइन करें स्टीफन जैक हैरी, तो ये देखिए हमारे पास क्या कंडीशन में एट्रीब्यूट्स जब हम निकालते हैं तो एट्रीब्यूट्स के लिए हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर यानी पाई ऑपरेटर का यूज करते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर निकाले हमने, निकाले यहाँ से एट्रीब्यूट्स नेम निकाला और यहाँ से सैलरी पर दोनों टेबल्स की ज्वाइन कर। तो ये जो ज्वाइन होता है ये हमारा कौन सा ज्वाइन कहलाता है, नेचुरल ज्वाइन कहलाता है। कौन सा ज्वाइन कहलाता है, नेचुरल ज्वाइन कहलाता है। ये आज इतना ही रखते हैं, कल अपन आउटर ज्वाइन और ये पढ़ेंगे। तो इनको आप लोग काम करिएगा, कोई दिक्कत आए तो फिर आप हमें बताएंगे। इनको पढ़ते जाइए बेटा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू।